जी बंसल जी, अंजू जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ कैथल हरियाणा से। हाँ अंजू जी बताएं। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर। हाँ नमस्कार जी, बताएं अंजू जी। हाँ जी डॉक्टर, मेरा बेटा 23 साल का है। ठीक है सिर्फ 3-4 साल पहले कमर में प्रॉब्लम हो गई, दर्द ठीक है। यही मनके ही में है हाँ हाँ और नस दर्द हुई, ठीक टांग है। में भी प्रॉब्लम आती है, अब टांग भी में भी आती है ना, प्रॉब्लम तीन है। साल हो गए ना, अभी आ रही होगी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ तो जी मैं वही यही तो बात मैं पहले कह रहा था। क्या होता है बच्चे का, कई बार मोटरसाइकिल पर या पैर में जीना चढ़ते हो तो हो जाता है, और ये फिर बीमारी घर कर हाँ जाती है, फिर बड़ी बीमारी बन जाती है। देखो 3 साल बहुत होते हैं, तो इसका वही हाँ हम जी डॉक्टरों से बात करके एक बार हमारी सलाह लेकर नसों का खोलने का एक तो कोर्स इसको करवा दो, उससे आराम पड़ जाएगा, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा इसको। और दूध में हल्दी और लस डॉक्टर। बताओ। हाँ जी डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर, पहले ना हमने इसको 40 में भी दिखाया है चंडीगढ़, तो पहले वो ऑपरेशन बताते थे, वो ऑपरेशन से भी मना करके कहते हैं ऐसे एक्सरसाइज से ठीक हो नहीं जाएगा। ये भगवान ठीक करेगा, यही तो करें। ऑपरेशन कोई पक्का इलाज नहीं होता। देखो आप करके तो देखो एक बार नसों को खोल, ये देखो अपनी प्राकृति चाहे योग पर एक बार विश्वास करके तो देखो, जो घरेलू नुस्खे हैं उस पर विश्वास करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो नसों का खोलने का कोर्स है बहुत ही सिंपल कोर्स हमारा, देखो बहुत ही है, ये बहुत अच्छी राहत देता है, बहुत अच्छे लाभ देता है। मैं तो ये ज़्यादा तो नहीं कहता, देखो 3-4 साल हो गए, 2-3 महीने इसको ट्राई कर ले, कोई नुकसान तो है नहीं। देखो आदमी शराब पीता है, बोतल पर लिखा होता है, फिर भी पीता तो है ना, तो इसलिए इस पर तो लिखा भी नहीं है। तो एक बार कोर्स करें, बच्चे को लाभ अच्छा मिलेगा और बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। मैं कह रहा हूँ अब कई बार क्या कह सकते हैं, देखो तो बड़ी दुकानें बड़े वो है, उनके पास क्या होता है एलोपैथी इलाज होता है, जो बीमारियों को दबाता है। तो कई बार उनके पास वो बढ़िया इलाज ना हो पाता, आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है। कई बार आयुर्वेदिक में अच्छा इलाज नहीं होता, एलोपैथी में अच्छा इलाज होता है। तो जिसमें जो पैथी में अच्छा इलाज हो वो कर लेने में कोई नुकसान नहीं होता, मैं तो ये कहता हूँ। हम कह दे भी हम बहुत अच्छे हैं ना, ऐसा नहीं है वो भी, क्योंकि एलोपैथी भी अच्छा इलाज है। हमने तो बीमारी को दूर करना है, कैसे करना है, चाहे एलोपैथी से करें, चाहे होम्योपैथी से करें, चाहे आयुर्वेदिक से करें, जो पैथी हमें सूट कर जाए वो सबसे अच्छी है। तो इसलिए एक बार करके देखें, लाभ मिलेगा इसको। और दूध में हल्दी और लहसुन बच्चे को दो, एक छुहारा भी डालो, उससे बहुत अच्छी राहत मिलेगी। आप 15 ही 20 दिन बाद कहोगे कि इसको आराम मिलने लग गया है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसको। जी बंसल जी, शुरुआत में तो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में जब वो औषधियाँ लेना शुरू करता है तो धीरे धीरे औषधियों पर विश्वास होना शुरू हो जाता देखो है हम फिर। कह दें भाई हम सबको ठीक कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। हम ये कह दें बीमारी कितनी गंभीर है हमें क्या पता, तो वक्त लग जाता है, बस यही कहते हैं। तो आयुर्वेदिक में क्या होता है, एलोपैथी में क्या होता है, एलोपैथी तो बीमारी को दबा देती है जब तक असर करेगा, आयुर्वेदिक में जड़ से काम किया जाता है तो उसमें वक्त लग जाता है। तो और कितनी बीमारी है वो, फिर नशे कितनी आपकी रुकावट है वो उसी अपने आप ही पता चल जाता है, जैसे आदमी स्टार्ट करता है तो पता चलेगा। तो बस वक्त थोड़ा सा लग सकता है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं कहता हूँ हमारे डॉक्टर ने बहुत अच्छी रिसर्च करी है दोस्तों, बहुत अच्छी रिसर्च करी है, जो नसों का खोलने का कोर्स है। एक बार आप विश्वास करके देखें अपने पर, जी आपको लाभ मिलेगा, मैं तो ये बंसल कह जी, सकता हूँ। आज भी लोग जो हैं वो प्राथमिक उपचार के तौर पर एलोपैथ को ही चुनते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के तौर पर आयुर्वेद को नहीं देखते करना हैं। भी चाहिए, देखो जी एलोपैथी दवाई तुरंत आराम कर देती है। हम भी कह दें भाई आयुर्वेदिक करो ना, पहले तो शुरू में अगर मान लो सिर में दर्द होता है, गोली खा ली आपने, आराम पड़ गया, काम चल गया। हम उस पर करेंगे तो हम तो कहेंगे भाई धारा स्नान कर, पट्टी बांध, पेट में गर्मी आई है, तो इसमें वक्त लग जाता है थोड़ा जी सा। तो हम तो कहते हैं भाई चलना राह का चाहे फेर क्यों ना हो, बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो, तो रास्ता जो चलने का थोड़ा सा अगर दूर का भी हो तो वही चलना चाहिए। तो शॉर्टकट से कई बार क्या होता है गड़बड़ी हो सकती है, तो वही बात है, एलोपैथी शॉर्टकट रास्ता है, आयुर्वेदिक थोड़ा सा लंबा रास्ता है, लेकिन राह अच्छी है, जी आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।